आज फादर्स डे के विशेष मौके पर हम आपको मिलाते हैं 600 बच्चों के पिता से। बचपन से माँ बाप का साया उठ गया। 42 साल पहले सड़क में लावारिस पड़े बच्चे की देख से शुरू किया सेवा। अब तक 600 से भी ज्यादा अनाथ बच्चों को बाप का नाम दे चुके हैं 60 वर्षीय श्याम लाल जाल। गोद में मासूम बच्चों को लिए दुलार करते ये है 60 वर्षीय श्याम लाल जाल। साथ में मौजूद है उनकी पत्नी कस्तूरी बाई। बचपन से ही माँ बाप को खोने का दंश झेल रहे श्याम लाल 18 साल की उम्र से अनाथ बच्चों को पनाह देकर उनकी जतन कर रहे हैं। प्रदेश के सीमा से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर जाल का अनाथ आश्रम है, जिसे अपनी माँ जशोदा के नाम से रखा हुआ है। फिलहाल यहाँ 100 अनाथ बच्चे पल रहे हैं, जिसमें 8 दूधमुहे हैं, 30 दिव्यांग हैं, 15 बेटों का विवाह करा दिया गया है। इनमें से 12 सरकारी नौकरी भी करते हैं। पिछले 40 साल में इस परिवार में 600 मासूमों को पनाह दिया जा चुका है, जिसमें 87 बच्चे हमारे प्रदेश के देवभोग अंचल से हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अलावा विदेशों से आए 167 निसंतान दंपति यहां से बच्चे गोद ले चुके हैं। नाम बताइए। मेरा नाम श्याम सुंदर जाल जी। मेरा धर्मगढ़ सब डिवीजन कलाहंडी है। कितना दिन से ये काम कर रहे हो, छत्तीसगढ़ से क्या संपर्क है? देखो, मैं तो 18 साल हुई थे और मैं काम कर रहा छत्तीसगढ़ से हमारा पास का आसपास पास ना। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ से मेरा कितना लड़की 3 लड़की शादी कर दिया और बच्चा लोग फिर उनसे गोद लिया, उधर से वही बच्चा फिर मेरा पास आया ना। तो कैसा लगता है ये काम? बहुत अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़ को मेरी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बच्चे लोग को जो पालते हो यहाँ कैसा लगता है? बच्चा लोग क्या बोलूंगी, बच्चा लोग को तो मेरा भगवान तो मेरे को भेज दिया ना, जो इतना लख लख आदमी से मेरे मेरे को एक ही मेरे को भगवान दायित्व दे दिया। आपका बीवी नहीं गाली करते है? नहीं, मेरा बीवी पहले गाली करता, जो आया था मेरा पास था 6-7 बच्चा था और वो आया था, वो तो मेरे गाली करके चला जाता उनको बुझाने के लिए। वो मेरा माँ हो गया, मेरा माँ का नाम जशोदा, मेरा बीवी का नाम कस्तूरी। एक बच्चा लाते हो तो कैसा लगता है आपको? देखो, बच्चा यदि जो जाएगा यहाँ से गोद जाएगा 15-20 दिन मेरे को बहुत कलीजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं, उनको याद आता। आप कितना लड़की शादी किए हो अभी तक? अभी मेरा 39 लड़की शादी। हाँ, एक कम 40 लड़की की शादी और 17 बहू लाया। कहाँ कहाँ से लाए हो? दूर दूर से। दूर दूर से लाया, शादी दूर दूर से कराया, कालाहांडी में, देवभोग में, बलांगीर, यहाँ से देश विदेश में गया था। देखो, अमेरिका से गोद लिया, अमेरिका क्या क्या उनका नाम, देश विदेश से लोग ले आए। मेरा नाम कस्तूरी जाल। तिजोर से कहो। छत्तीसगढ़ कस्तूरी जाल। हाँ, छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है आपका? छत्तीसगढ़ से मेरा लड़की दिया है। कितना? 2-4 लड़की दिया है। हाँ। छत्तीसगढ़ से अच्छा है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से मेरा संबंध है, बहुत अच्छा है। मेरा लड़की लोग भी अच्छा बोलते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ लड़की है? हाँ। कितना? 1-2 है? 1-2 लड़की है। अच्छा, आप क्या मतलब पहले कैसे कर रहे थे, जब बचपन से श्याम सुंदर जी जब ये काम शुरू किए, कैसा लगा आपको उस टाइम? पहले से मेरे को बहुत बुरा लगा। हाँ। बड़े से बुरा लगा। पहले मैं शादीशुदा नहीं होने से मेरा सासू माँ ये सब संभाल के मेरे आदमी 7-8 पाल के रखा है ना। हाँ। बाद में मैं आई, बाद में देखा कि श्याम सुंदर का काम ठीक लग रहा है, ऐसा बुरा लगा। हाँ, बाद में आओ। इसके बाद पूजा मना होने से अच्छा लगा। अभी कैसे कर रहे हो, ठीक ठाक? बहुत अच्छा लगता है।
इस आश्रम को 2008 के बाद सरकारी अनुदान मिलना शुरू हुआ। इससे पहले तक जाल मजदूरी एवं टेलर काम एवं समाज सेवी लोगों की मदद से लालन पालन करते थे। खुद के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन अनाथों के प्रति ज्यादा लगाव देख पत्नी भी घर छोड़कर चली गई थी। सेवा भाव का भान होने के बाद आज पत्नी भी पूरा सहयोग करती है। इस दंपति ने आश्रम के 37 बेटियों के हाथ भी पीले कर चुके हैं, मायका का सारा रस्म निभा रही हैं। भगवान के रूप में माने जाने वाले बच्चों के इस मंदिर में ज्यादातर लोग अपना यादगार दिन मनाने भी पहुंचने लगे हैं। बताइए, आप अभी जन्मदिन मनाने गए थे, क्यों क्या लगता है, क्यों लगा ऐसा? अब पिछले हम लोग वहाँ पे 4-5 वर्षों से जा रहे हैं, जब से हम लोगों को पता चला कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ मतलब मंदिर है ऐसा, तो हम लोग जाना वहाँ शुरू किए। धीरे धीरे संपर्क बढ़ा वहाँ से, तो देखिए कि एक जन्मदिन मनाने से वहाँ के बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। एक छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई खानदान परिवार नहीं है, वो बच्चे कितने खुश होते हैं एक छोटा सा केक काटने के बाद। तो वो देखने के बाद हम लोगों की भी अंदर आया कि क्यों ना हम भी करें, जिससे हमारे बच्चे के साथ साथ वो बच्चे भी खुश हो जाएं। तो जो हमारे क्षेत्र से क्या रिलेटेड हो? हमारे क्षेत्र से रिलेटेड में ये हम इतना जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पे लगा हुआ है वो 40-42 साल से। हाँ बिल्कुल 42 साल से हमारे बॉर्डर पे लगा हुआ है, वहाँ हमारे क्षेत्र के कई बच्चे जा रहे हैं, हमारे लोकल देवभोग से भी बच्चे जा रहे हैं जिनके माँ बाप ना हो, उनको भी अवेलेबल करा रहे हैं। उसी से उन्हीं कॉन्टेक्ट के सहारे हम वहाँ तक पहुँचे थे। तो वो अच्छा लगता है, बहुत खुशी हुई कि आज बिना माँ बाप के बच्चे का केक काट के हम हमारे जन्मदिन में हम उनका केक कटवा रहे हैं, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। आपका नाम क्या है? दीप्तिया। कहाँ से हो? ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़। बोलो। नमस्ते, मैं किनी, मेरे नाम दीप्तिया यादव है, मैं ग्राम पंचायत की लड़की हूँ। मेरी मम्मी पापा किनी नहीं है, किसी कारण से मैं अनाथ आश्रम में हूँ और ऐसे काम में काम करती हूँ और सबके मिल जुल के साथ रहती हूँ और खाना पीना मैं खाती हूँ और अच्छा रहती हूँ। मैं किसी के साथ भी मैं झगड़ा नहीं करती। मैं कैसा लग रहा है, मम्मी पापा कैसा देखभाल कर रहे हैं यहाँ? अच्छा देखभाल कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा आपका नहीं है? नहीं है मेरे मम्मी पापा। कब से गुजर गए? अगर मेरी मम्मी ध्यान हो गई फिर पापा ध्यान हो गए, फिर इधर चले आए। सरपंच लुंगला दी मेरे को। अच्छा लग रहा है। गरियाबंद से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट, बस देखते रहिए CGVision TV।